दिल्ली के मुखिया और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर घमासान मचा हुआ है। उनके हेल्थ कंडीशन को लेकर सियासत जोरों पर है। अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाने के बाद अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली एलजी दफ्तर के मुख्य सचिव नरेश कुमार को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल डॉक्टरों को बताए गए डाइट चार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो जानबूझकर लो कैलोरी डाइट का सेवन कर रहे हैं, इसी कारण से केजरीवाल का वजन कम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जानबूझकर खुद को बीमार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इस चिट्ठी की आलोचना करते हुए बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने इस दावे पर निराशा जताते हुए एलजी पर निशाना साधा है कि जो एलजी, जो चीफ सेक्रेटरी, जो जेल प्रशासन पहले ये कहानियां गढ़ता था कि अरविंद केजरीवाल अपना शुगर लेवल पूरी खा लिए तो बढ़ गया, आलू खा लिए तो बढ़ गया, वही जेल प्रशासन जब हकीकत, और उस समय इंसुलिन नहीं दी जाती थी, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमारी शुगर लेवल बढ़ रही है, हम लोग बार बार कहते थे कि भाई इनको इंसुलिन की आवश्यकता है, इंसुलिन नहीं दी जा रही थी, आपको याद होगा, उसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। और अब वही जेल प्रशासन, वही एलजी, वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल अपना शुगर लेवल घटा रहे हैं, वो कैलोरी कम ले रहे हैं। आप नेत्री आतिशी ने एलजी की चिट्ठी पर कहा कि बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। एलजी साहब जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उन्हें ऐसी चिट्ठी लिखना शोभा नहीं देता है। देखिए, ये एलजी साहब का जो बयान है बहुत अनफॉर्चुनेट है, और मुझे लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट को शोभा नहीं देता है। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज की बीमारी है, बहुत अक्यूट डायबिटीज है उन्हें, और जब किसी को सीरियस डायबिटीज होता है तो जिसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल गिरना एक बहुत खतरनाक संकेत होता है। शुगर लेवल गिरने से व्यक्ति नींद में कोमा में जा सकता है, शुगर लेवल गिरने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है। क्या एलजी साहब को लगता है कि कोई भी इंसान अपने आप को जानबूझ के ऐसे बीमार करेगा? ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एलजी की चिट्ठी पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की। देखिए, मुझे तो ये पता था एलजी साहब सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे, वो डॉक्टर भी हैं, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट भी हैं, ये जानकारी मुझे किसी ने दी नहीं। मैं उनका बायोडाटा कहीं देख नहीं पाया, मैंने कई जगह गूगल किया मगर क्यों नहीं की। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो उनका कहीं पे भी एफिडेविट नहीं है जो ये बता सके कि उन्होंने जीवन में क्या किया है। यदि वे डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो जरूर जो है मैं उनके पत्र को पढ़ के जो है उस पर चिंता व्यक्त करूंगा। आपको बता दें, इन चिंताओं के मद्देनजर एलजी ने जेल अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है कि केजरीवाल अपने निर्धारित मेडिकल डाइट और इंसुलिन के डोज का सख्ती से पालन करें। एलजी सक्सेना ने यह भी कहा कि केजरीवाल की सेहत को लेकर किसी भी संभावित संकट या कानूनी अड़चन से बचने के लिए शुगर लेवल की निगरानी की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए। एलजी सक्सेना के इस निर्देश से दिल्ली सरकार के गृह विभाग को भी अवगत करा दिया गया है। बताते चले, इससे पहले 13 जुलाई को संजय सिंह ने दावा किया था कि जेल में रहने के दौरान केजरीवाल का वजन 8.5 किलोग्राम कम हो गया है, जो गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। उन्होंने बीजेपी पर केजरीवाल को जेल में रखने और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की साजिश का आरोप भी लगाया था। बहरहाल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरोप प्रत्यारोप से पूरे एक मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर इस तरह सियासत होना कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।